हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आज 11वीं कक्षा के पाठ आरोह में विदाई संभाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। मैं आपको थोड़ा सा बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में बताना चाहती हूँ। उनका जन्म 1865 ग्राम बुढ़ियानी जिला रोहतक हरियाणा राज्य में हुआ था। उनकी मृत्यु 1907 में हुई थी। बच्चों, हर पाठ को पढ़ाने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, तो मेरा इस पाठ को पढ़ाने के पीछे उद्देश्य यह है कि हमारे भारत में जो लाड कर्जन आए थे, जो दो बार भारत के वायसराय बनकर रहे, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप बच्चों को बताना। लाड कर्जन 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक दो बार भारत के वायसराय रहे के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का साम्राज्य स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में उपयोग करना था। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। गुस्से में आकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। बच्चों, इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लाड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। शासन के आपताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लाड कर्जन जैसा वायसराय। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने इस पाठ को कई अंशों में विभक्त किया है। सबसे पहले जो हमारा पहला अंश है वो है विदाई का कारुणिक क्षण। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लाड कर्जन हमारे भारत में दो बार वायसराय बनकर आए थे, लेकिन जब वो दूसरी बार भारत में वायसराय बनकर आए तो लोग उनसे खुश न थे। वो तो यही चाहते थे कि वो यहाँ से चले जाए और उनके जाने की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जब आप, यानी कि लाड कर्जन, जब इस देश को छोड़कर गए, तब भारतीयों के मन की स्थिति बहुत ही कारुणिक थी। इस अंश को समझाने के लिए लेखक ने शिव शंभु नामक पात्र है उसकी दो गायों का उदाहरण दिया है। शिव शंभु के पास दो गायें थी, एक गाय बलवान गाय थी और दूसरी कमजोर गाय। बलवान गाय हमेशा कमजोर गाय को टक्कर मारती रहती थी। इससे दुखी होकर शिव शंभु ने अपनी बलवान गाय को एक पुरोहित को बेच दिया। इससे जो कमजोर गाय थी वह दुखी तथा उदास रहने लगी, यहाँ तक कि उसने चारा भी खाना पीना छोड़ दिया। बच्चों, इस उदाहरण के द्वारा लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि जब पशु पक्षियों के बिछुड़ने के समय उनकी ऐसी मनोदशा होती है, तो सोचिए और विचार कीजिए कि जब भारतवासी आपस में बिछड़ते हैं तो उनका कैसा दृश्य होता होगा, उनके मन की दशा कैसी होती होगी। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अंश की ओर, जिसको मैंने नाम दिया है उनके शासन का दुखद अंत। ये तो आप पहले ही जान चुके हैं कि लाड कर्जन ने भारत के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया था। उसने जितने भी कार्य किए थे वो सब अंग्रेजों के हित के लिए किए थे। लेखक कहता है कि इस देश में अनेक शासक आए और चले गए, यह परंपरा है। जो आता है उसका जाना भी निश्चित होता है। लाड कर्जन का शासनकाल दुखों से भरा हुआ था। उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना शुरू किया था, वही उसका दुखांत, यानी कि दुखों का अंत कर देने वाला बन जाएगा। इसका आभास न तो सामान्य जनता को था और न ही लाड कर्जन को। लाड कर्जन जब दूसरी बार भारत में वायसराय बनकर आए तो उनका यह मानना था कि वह इतने कार्य करेंगे कि
आने वाले शासकों को अपने शासन में कुछ भी न करना पड़ेगा। लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत हुई। उन्होंने भारतीयों के लिए जो भी कार्य किए वे सब अंग्रेजों के हित के लिए ही थे, उनमें भारतीयों का कोई भी लाभ शामिल नहीं था। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे अंश की ओर, जिसका नाम है शान बान एवं उनका निर्मम शासन। लॉर्ड कर्जन की शान सबसे ऊंची थी, उनको ईश्वर के समान दर्जा प्राप्त था। दिल्ली में एडवर्ड के बाद सर्वोच्च स्थान उन्हीं को ही प्राप्त था। उनकी तथा उनकी लेडी की कुर्सी सोने की बनी हुई थी। भारत के बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, जमींदार, सभी अफसर सबसे पहले उन्हीं को ही सलाम किया करते थे। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे चौथे अंश की ओर, जिसको मैंने नाम दिया है उनका जिद्दी स्वभाव। भारत में लॉर्ड कर्जन जो वायसराय बनकर आए थे, उनका जो स्वभाव था वह बहुत ही जिद्दी स्वभाव था। उन्होंने भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध बंगाल का विभाजन कर दिया। 8 करोड़ जनता उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने भारतीयों की इस प्रार्थना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ लेखक ने पाठ में केसर और जार नाम के दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया है, जो कभी भी अपनी प्रजा की बात नहीं सुनते थे, लेकिन एक आध बार वो भी कभी कभी प्रजा की बातों पर ध्यान दे दिया करते थे। नादिर शाह एक ऐसा आक्रमणकारी था जिसने दिल्ली में कत्ले आम किया था, लेकिन उसने भी आसिफ जहां के द्वारा प्रार्थना करने पर कत्ले आम को रोक दिया था। परंतु लॉर्ड कर्जन एक ऐसा क्रूर, निर्मम, अत्याचारी शासक था जिसने भारतीयों के गिड़गिड़ाने की प्रार्थना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अंततः अपने जिद्दी स्वभाव के कारण बंगाल का विभाजन कर दिया। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे अगले अंश की ओर, जिसका नाम है उदार भारतीय जनमानस। लॉर्ड कर्जन तो यही चाहते थे कि भारत की जो जनता है वो हमेशा अशिक्षित ही रहे। वही अनपढ़ प्रजा नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की महिमा का गीत गाती है। उस राजकुमार ने अपनी स्थिति के दिन नरवरगढ़ नाम के एक राज्य में काटे थे। वहीं उसने चौकीदार से लेकर ऊंचे पद तक के अनेक कार्य किए। उसने विदाई के समय नरवरगढ़ की प्रजा को संबोधित किया और उनसे कहा कि हे नरवरगढ़, मैंने अपने के दिन यहाँ काटे हैं। विदाई के समय उस सुल्तान ने हाथ जोड़कर वहाँ की जनता का, वहाँ की भूमि का अभिवादन किया और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। वहाँ की जनता आज तक उस कृतज्ञ राजकुमार के गीत गाती है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे अगले और अंतिम अंश की ओर, जिसका नाम है लेखक द्वारा कर्जन का विदाई संभाषण। लेखक को लगता है कि अगर लॉर्ड कर्जन अपनी विदाई के समय भारत को संबोधित करते तो वो अपने भाषण में क्या कहते कि मैंने हमेशा तुम्हारा अहित ही सोचा है, मैंने आज तक तुम्हारी भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। क्या लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता है कि वह जाते समय भारतीयों को संबोधित कर सके? लेकिन लेखक कहता है कि लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता नहीं है कि वो जाते समय भारतीयों को ऐसे शब्दों से संबोधित करे। अगर वो ऐसा करते भी है तो यहाँ की प्रजा में इतनी उदारता है कि वो उन्हें उनकी गलतियों के लिए क्षमा भी कर सकती है। तो इस पाठ का जो सार था वो यह था कि लॉर्ड कर्जन के बारे में बताना कि किस तरह उन्होंने भारत पर शासन किया। वो 2 बार भारत के वायसराय बनकर जरूर आए, लेकिन उन्होंने भारतीयों के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया था। हाँ, उन्होंने भारतीयों को चोट पहुँचाने के लिए बंगाल विभाजन अवश्य कर दिया था। धन्यवाद।